आज जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं इसमें बेसिकली हम लोग 11 प्लांट्स अर्जुन टर्मिनलिया अर्जुना और इसके साथ साथ एक पॉपुलस का ये पौधे हम लगा रहे हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स दीप गंगा अपार्टमेंट में जो रहते हैं। इसके साथ और भी लोग हैं। ये पूरा एरिया हम कवर कर रहे हैं, वहाँ तक गड्ढे किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोनोफॉरेस्टेशन ऑफ यूकेलिप्टस है ही है, साथ साथ प्लांटेशन भी कम है इस तरफ भी और आगे भी। इस पर विशेष जानकारी के लिए हम अपने द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव के प्रेसिडेंट श्री पयोज अग्रवाल जी के पास चल रहे हैं। सर, ये एरिया बहुत दिनों से अबैंडन्ड है, यहाँ पे नॉर्मली एक तरीके से डस्टबिन बना रखा है। सबने डस्टबिन ही है, दीप गंगा की डस्टबिन आप कह सकते हैं इसको। हाँ, जो भी ये वेस्ट होता है यहाँ पे लाके डाल देते हैं। तो ये आपने बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया कि यहाँ पे हम जो है अर्जुन के पेड़ लगा देंगे। और जैसे आज हम 12 पेड़ का यहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाह रहे हैं और भी सीनियर सिटीजन यहाँ पर आएँ और थोड़ा सा अपना श्रमदान हमारे साथ दें यहाँ पर। और ये एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पे हो जाएगी, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये यूकेलिप्टस का पेड़ है यहाँ पे। ये यूकेलिप्टस का पेड़ जो है ये सारे एरिया ख़राब कर रहा है, वाटर टेबल गड़बड़ करेगा यहाँ का, वो ख़त्म कर देगा और यहाँ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी अगर हम तरह तरह यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। तो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, आज 12 पेड़ लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई और जगह मिलती है। आज के प्लांटेशन का आग्रह गोविंद कुलकर्णी जी ने वापस से किया था, कुलकर्णी जी के पेरेंट्स के मदर के याद में उन्होंने 5 प्लांट्स हमें डोनेट किए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लगाएंगे और होपफुली कुलकर्णी जी महीने या 2 महीने में जब भी आएंगे तो हम इन प्लांट्स से उनकी मुलाकात करवाएंगे। तो बाकी के जो 6 प्लांट हैं उनमें से 3 मैंने अपने फादर को डेडिकेट किया है और 3 अपने मदर इन लॉ को किया है, तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे 12 प्लांटेशन कर रहे हैं। जब हर जनरेशन के लोग एक साथ प्लांटेशन करते हैं तो देख के मज़ा आता है। छोटी बच्ची भी है, सीनियर सिटीजन भी है और एकदम बिल्कुल तगड़े जवान भी हैं। तो 3 जनरेशन मिलके एक अर्जुन का पेड़ लगा रहे हैं जो कि आने वाले 3-4 जनरेशन तक सबको बेनिफिट देगा। ये सब लोग मिलकर के रेसिडेंट्स, सामने हमारा अपार्टमेंट है, ये रहा गेट, और यहाँ पे बेसिकली डंपिंग बना रखा है लोगों ने। तो ठीक है, हम इसको डेवलप करते हैं, अगर ग्रीनरी फैल गई तो यहाँ पे डंपिंग कम हो जाएगी, लोग कम कूड़ा फेंकेंगे। तो इस तरीके से अभी प्लांटेशन चल रहा है। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ डॉक्टर आर सिंह के पास, ये रिटायर्ड MD BHU हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग आज अर्जुन यानी टर्मिनेलिया अर्जुना लगा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये टर्मिनेलिया अर्जुना, ये अर्जुन प्लांट है, इसकी छाल का उपयोग हम लोग कार्डियक डिसऑर्डर में करते हैं। तो हार्ट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो इससे नहीं होने पाती हैं, शरीर को प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत बढ़िया सर, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे आप बहुत सीनियर सिटीजन हैं, हाँ नहीं, तो हार्ट डिजीज़ थोड़ा बहुत तो फैल है ही अंदर, हाँ, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा है ये प्लांट, सुना है डायबिटीज़ में भी और ब्लड प्रेशर में भी काम आता है। मेन इसका काम है। जी जी हाँ जी। मैंने इसके छाल के ऊपर काम किया है, हमारा फॉरेन जर्नल में पेपर भी पब्लिश हुए हैं। अरे बहुत बढ़िया सर। जी जी जी, तो इस तरह से ये बहुत बेनिफिशियल प्लांट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव की तरफ से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स जो आज हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आए थे और कई बहुमूल्य इनपुट्स उन्होंने दिया प्लांटेशन के बारे में, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो अपने पूरे ज़िंदगी में कमाया हुआ एक्सपीरियंस है और आजमाया हुआ है, तो हमें बहुत उससे उत्साह मिला है। हम कहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं प्लांटेशन में उसका भी उन्होंने निवारण किया, उसके बारे में भी बताया। तो होपफुली अब जो आगे के प्लांटेशन होंगे उसका सक्सेस रेट जो होगा हमारा वो इन इनपुट्स को आजमाने के बाद बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव को सपोर्ट करिए, शेयर भी करिए, अपने सोसाइटी के आसपास इस तरह के पेड़ ज़रूर लगाइए जैसे अर्जुन है, इसके अलावा आंवला है, क्योंकि ये पेड़ जो है ना सबके बेनिफिट के हैं। तो इस तरह के जो हमारे अपने देसी पेड़ हैं ये लगाने से इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, वाटर टेबल भी अच्छा होता है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती है और साथ साथ जो इनका गुण है इनके इसका बेनिफिट्स जो सिटीजन्स हैं उनको मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।